सो दोस्तों, इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले एवर आने वाला है 15 अगस्त को। सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, सिर्फ कुछ ही नहीं, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं 12 घंटे के ग्रैंड फिनाले को। और इसी के दास खबर आने लग गई है कि क्या कुछ होने वाला है इंडियन आइडल सीजन 12 के ग्रैंड एवर फिनाले में। चलिए जानते हैं इस वीडियो के दौरान क्या कुछ होने वाला है इस खास अवसर पर। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सिनेस पिक्स, मैं हूं आपके साथ दीक्षा जैन। तो दोस्तों, पवनदीप राजन ने फिर से अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, अपने खूबियों से सभी को करा दीवाना अपना और सभी लोग फिर से हुए खुश। जी हाँ दोस्तों, इस बार वो हमें दोबारा दिखेंगे तबला बजाते हुए। जी हाँ दोस्तों, हमें अब ये भी साबित हो गया है कि पवनदीप राजन सिर्फ ना ही एक अच्छा सॉन्ग गाते हैं बल्कि इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार के मंच में, ग्रैंड फिनाले के मंच में सारे एक्स कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, उनके साथ परफॉर्म करने वाले हैं सभी जो फाइनलिस्ट हैं वो। तो दोस्तों, पवनदीप राजन जो उनका मैशअप होता है वो होता है बमला एंड ब्रीथलेस सॉन्ग में। जी हाँ दोस्तों, इन दो सॉन्ग का मैशअप करके वो गाते हैं सॉन्ग श्री राम चोपड़ा के साथ। और उसके बाद तो जो तो दोस्तों वो जो माहौल बन जाता है उसको देखने के बाद सभी लोग पागल हो जाते हैं। बलमा सॉन्ग, ब्रीथलेस सॉन्ग तो सर दीवाना कर देती है। और ये सब ट्रिब्यूट दिया जाता है अनु मलिक को। जी हाँ दोस्तों, इस बार ग्रैंड फिनाले ट्रिब्यूट दिया जाएगा अनु मलिक को। और उसके बाद अनु मलिक खुद ही रोक पाएंगे और पहुंच जाएंगे स्टेज में अपना धमाल मचाने और उनको सभी के सामने वहां पर अप्रिशिएट कर देगी। पवनदीप राजन ने जिस तरीके से तबला बजाया और जिस तरीके से गाना गाया, उनको देख के सभी लोग झूम उठे थे, सभी लोग मौज में आ गए थे। दोस्तों, इतना सब कुछ होने वाला है ग्रैंड फिनाले के मंच पे। अभी तो सिर्फ पवनदीप राजन की इन्फॉर्मेशन मिली, आगे आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे अबाउट एवरी सीरियस एंड दिस रियलिटी शोज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।